आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। हमारे साथ दयावती जी हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। अकील साहब जी, वो जो ये थायराइड का जो गोंद मोरिंगा उसमें मिलाना है, तो वो क्या नारियल के पानी के साथ अलग से लेना है? और एक दूसरा क्वेश्चन कि ये बच्चा न हो रहा औरत नारी पर, तो उसके लिए आपने ये अश्वगंधा बताया पाउडर, तो ये गोंद मोरिंगा और गोंद सिया के साथ मिलाकर खा सकते हैं? नहीं नहीं, आप समझ लीजिए बात को, ये अलग अलग नुस्खे हैं। देखिए, बच्चा जिनको नहीं हो रहा है उनको आप अश्वगंधा और गोंद मोरिंगा भी सफ़ेद, याद रखना सफ़ेद आता है, एक ये 100-100 ग्राम लेके पाउडर बना लें और तकरीबन 1 ग्राम रोज़ाना एक बार खाया करें। और मर्द और औरत दोनों खाएं तो बहुत अच्छा है, बस 1 ग्राम यानी एक ही कैप्सूल के बराबर, तो ये बच्चा न होने वालों के लिए है। और जो थायराइड की आपने बात की, थायराइड में आपको लेना है धनिया 300 ग्राम, धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम और गोंद मोरिंगा 100 ग्राम, ये अलग अलग से आप लें। और गोंद मोरिंगा सफ़ेद लें, इसको पाउडर बनाएं और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम पानी के साथ खाएं तो फ़ायदा होना मुमकिन है। यूपी से राजन जुड़ गए हैं हमारे साथ, स्वागत है राजन जी। नमस्कार। नमस्कार, आदाब। डॉक्टर साहब, हमें उंगलियों में, हेलो जी जी राजन भाई, उंगलियों में झुंझुनाहट रहती है और चलने में कुछ गांठ में भी दर्द होता है, पांव में जी, उठने बैठने में दिक्कत होती है जी। जी राजन भाई, कितनी उम्र है आपकी? 74। अच्छा, देखिए इस उम्र में ऐसा होता है, अगर आप दवाओं से तंग आ गए हों तो फिर यूनानी दवा ले लीजिए कुछ दिन, और शर्त यह है कि अगर 1 महीने में भी फ़ायदा हो जाए तो 3-4 महीने इलाज करें। अगर ये चाहते हैं कि सारी ज़िंदगी बगैर दर्द के गुजर जाए तो दवा के तौर पर कैप्सूल टी फॉर टाइगर या घरेलू नुस्खे के तौर पर अगर असली गोंद स्याह मिल जाए तो आधा आधा ग्राम लें, और 100 ग्राम में मिल गया तो उसके ख़त्म होने से पहले आपको फायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं नेहा हमारे साथ वेस्ट बंगाल से, स्वागत है नेहा जी। जी बोलिए, सवाल क्या है आपका? मैम मुझे बात करना था। जी जी मैं सुन रहा हूँ, बताइए। सर मेरी बेटी 8 वर्ष की उम्र है उसकी, उसे स्किन प्रॉब्लम, मतलब शरीर में जो सफेद दाग होता है वो हो गया है, और उसके लिए तो ट्रीटमेंट चला रहे हैं लेकिन अदरवाइज इसको शरीर में बहुत चुनकानी हो रहा है। 8 साल की बच्ची ना? जी जी। तो बेटा देखो, इसका इलाज है बहुत लंबा, करने वाला भी थक जाता है और कराने वाला भी थक जाता है, और मैं भी एक इलाज बता देता हूँ। देखिए, एक जड़ी बूटी बीज आते हैं और वो आप, उसका नाम है बापची नाम से एक खुशबूदार बीज आते हैं जो मेथी के बराबर होते हैं और मेथी से भी ज़्यादा खुशबू होती है, देखने में काले काले होते हैं और उसे ऐसे करो तो वो कालापन भी चला जाता है, तो वो थोड़े हल्के लाल से निकल आते हैं, काफ़ी सस्ते भी आते हैं। और ये 100 ग्राम ले लें, और 100 ग्राम ये 100 ग्राम अलसी और 100 ग्राम गोंद मोरिंगा, इन सबको पाउडर बना के रखें और बस 1 ग्राम रोज़ाना खाया करें, 1 ग्राम मतलब एक बड़े कैप्सूल की बराबर, और 2 महीने में कुछ रंग बदलेगा सफ़ेद दाग का। अगर रंग बदल गया तो आप लगातार 1 साल भी खाना पड़ सकता है, आप इसे लगातार खाएं और गोंद मोरिंगा सफ़ेद लें ताकि उसको फ़ायदा हो सके। महाराष्ट्र से अगले कॉलर सतीश, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैडम जी। सतीश जी बताइए सवाल।
जी मिसेस का हमारे 3 बार इंट्रूजन हो गया है जी। क्या हो गया? इंट्रूजन यानी जो बच्चा हुआ है। हाँ बोलिए। तो मिसकैरेज यानी हो गया, मिसकैरेज हो गया। अच्छा ठीक है जी। अभी कितनी आयु है इनकी? 35 साल की। ठीक है। अच्छा देखिए ऐसे 50-100 ग्राम अश्वगंधा खरीद लें और 50-100 ग्राम आप कॉर्न मोरिंगा खरीद लें, इनको पाउडर बनाएं और दो चुटकी रोजाना रात को उन्हें खिला दिया करें दूध के साथ। और जब वो यानी प्रेगनेंसी हो तो वज़न उठाने का काम ना करें या उछलने कूदने का काम ना करें, और 4 महीने एहतियात करें काम करने से, कूद के ना चलें। जैसे बच्चियां होती हैं शादी हो गई अब उन्हें वही आदत होती है, तो घर में कोई बुज़ुर्ग हो तो उनको अपनी हिदायत पर काम चलाएं और बहुत जल्दी उनको साहिब उम्मीद होना मुमकिन है। कॉलर गंगानगर से शंकर लाल जी हैं, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार बोलिए। नमस्कार भी। जी जी यादव। मैं सब पूछ रहा था कि गुर्दे की पथरी है ये बार बार पड़ती है और इसके निकालने का सही साधन क्या है? ठीक है। अच्छा देखिए समझ लीजिए कि गुर्दे में जिसको भी पथरी होती है बार बार ही होती है, तो पहले मैं ये नुस्खा बता दूं और फिर ये बताऊंगा कि क्या करना है ताकि बार बार होने से बाज आ सके। देखिए एक तो ये कि जैतून का नमक आता है, नमक जैतून जिसे कहते हैं, ये 100-200 ग्राम ख़रीद लें और आधा ग्राम एक गिलास पानी में मिलाएं और 1-2 नींबू निचोड़ें और इसे रोज़ाना पी लिया करें 1 बार या 2 बार, और इस पानी के साथ 2 गिलास पानी एक्स्ट्रा पीजिए, ये इसका तरीका है। ये नमक जैतून जाके उसको बनाता तोड़ता है रोज़ाना और कभी भी आपकी पथरी निकल सकती है, और जो पानी ज़्यादा पीते हैं उसके पेशाब के फोर्स से वो बह के निकल जाती है। अब जब आपका ये पथरी निकल जाए तो आप फिर कभी कभी इसे लिए लीजिए और काफ़ी दिन तक लीजिए, महीनों तक यही नुस्खा, तो आपकी पथरी बननी भी बंद हो जाएगी। हैं दिल्ली से हैं सुमित जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार बोलिए। मैम मुझे थोड़ी सी समस्या थी उसके बारे में बात करने की मैम। किस चीज की? ये मैम मेरे पीठ में दर्द होती है 5-6 महीने से, बहुत तेज दर्द हो रही है, मैंने होम्योपैथी की ट्रीटमेंट भी करवाई 2 दिन, मैंने कुछ फर्क ही नहीं पड़ा मैम। एज क्या है आपकी? मेरी है 50 से ऊपर हो गया। पीठ में दर्द? हाँ जी पीठ में दर्द रहता है। और देखिए इसका इलाज यूनानी कर सकती है फौरी तौर पर, सबसे अच्छी दवा एलोपैथी जो आप इंग्लिश दवाएं कहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दिन खा नहीं सकते, इसलिए आप जब दर्द हो तो वो खा सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं खा सकते। यूनानी में देखिए एक तो गौंसिया है जो आपको अगर असली मिल गया, इसमें नकली बहुत आता है, आधा आधा ग्राम खाइए, 100 ग्राम खरीद लीजिए, ये 100 ग्राम ख़त्म होने से पहले ऐसे रोग को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है, या फिर कैप्सूल टी केयर खाइए सुबह शाम। लेकिन अगर किसी को 1 महीने में फ़ायदा हो तो 3-4 महीने इलाज करना ज़रूरी है ताकि ये रोग दोबारा से ना हो सके। इंदौर से राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है राजीव जी। हेलो। हाँ जी बोलिए, प्रश्न करिए अपना। नमस्कार हकीम साहब जी। आदाब राजीव भाई। सर मुझे बहुत टाइम से शरीर बदन की समस्या है। समझे? किस चीज की समस्या है? शरीर बदन। अच्छा अच्छा ठीक है जी। शरीर मतलब बहुत, मतलब 10-20 साल से सब दवाइयां ले चुका हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी। ठीक है। तो देखिए ये आपकी समस्या नहीं है, ज़्यादातर मर्दों की आजकल ये समस्या है, नए लड़कों की ये समस्या है, बहुत से रिश्ते ख़राब हो गए हैं और इसके लिए बाकायदा इलाज कराना चाहिए। और अपनी एक एक बात आप हमारे मेल डॉक्टर से करें और
पूरी बात बताएं तो आपको वो पूरा सजेशन देंगे, बाकायदा इलाज कराइए। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर डॉक्टर से बात करें, और कोई भी ऐसी समस्या, सेक्सुअल समस्या या औरतों को और मर्दों को भी होती है, तो वो फीमेल डॉक्टर भी हमारे पास बैठे हुए हैं। हम भारत में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पाते, ख़ासतौर पर लाइव प्रोग्राम में, तो आप वो कर लें। और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे भी हैं, नुस्खा भी बता देता हूँ, लेकिन बेहतर ये कि आप बात कर लें। देखिए, अश्वगंधा 50 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, और 100 ग्राम लीजिए गौंद मोरिंगा सफ़ेद, और 100 ग्राम लीजिए सफ़ेद मूसली। ये तीन चीज़ों को खूब बारीक पाउडर बना के 2 ग्राम रोज़ाना दूध के साथ लेने से भी आपको फायदा मुमकिन है। राजस्थान से गिगराज जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। सर, हम राजस्थान के रहने वाले हैं। ठीक है जी। सर, मुझे कब्ज की बीमारी बहुत लंबे समय से चल रही है। कितने साल से? 3-4 साल में, मेरे को तो अब जा करके कुछ ज्यादा रहती है। ठीक है। देखिए, कब्ज़ का बड़ा अच्छा इलाज है, आप समझ लें अगर और लिख लें तो बहुत अच्छा है। सौंफ, मेथी, धनिया, आंवला 200 ग्राम लें। फिर से बोलता हूँ, सौंफ, मेथी, धनिया, आंवला, ये सब सूखा मिलता है, 200 ग्राम लें, पाउडर बना लें। और एक चीज़ मिलती है, कलौंजी का नमक, कलौंजी जो किचन में होती है, इसका रसायन को कलौंजी का नमक कहते हैं, जो जायके में नमकीन नहीं होता लेकिन देखने में नमक जैसा होता है। ये 100 या 150 ग्राम ले लें और इसमें मिला दें पाउडर में, और आधा आधा चम्मच 2 या 3 बार दिन में खा सकते हैं आप। देखिए, फ़ायदा तो आपको ऐसा लगेगा 2-4 दिन में ही हो गया, लेकिन ये पूरा मटेरियल ख़त्म करेंगे तो आप रोग मुक्त हो सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से, स्वागत है आपका। संजय जी, स्वागत है आपका। हाँ। कहाँ से बात कर रहे हैं? नागपुर से बात कर रहा हूँ। आपका सवाल? सवाल ये है कि 6 साल हो गए शादी को। ठीक है, आगे। और डॉक्टर के पास हम लोग गए थे, डॉक्टर ने बोला कि जो ट्यूब है गर्भ की वो बंद है करके बोला है। ठीक है, तो आपके पास के दवा से हो सकता है क्या? जी। हाँ, देखिए, 2 ट्यूब होती हैं, एक बंद होती तो एक खुली रहती है, और दवाओं से भी इसको फायदा हो सकता है। एक नुस्खा मैं बता देता हूँ, वो आपको मिल जाए तो उसे इस्तेमाल करें। एलोवेरा आप जानते हैं, एलोवेरा का जूस लोग अक्सर पीते हैं, एलोवेरा बहुत तरह से इस्तेमाल होती है। एलोवेरा का सिरका आता है, वेनेगर आता है, एलोवेरा का सिरका समझ लीजिए, ये आप 2 या 3 चम्मच लीजिए, एक गिलास में डालिए, उसमें एक चुटकी खाने का सोडा, खाने वाला सोडा डालिए, इसमें से एकदम झाग से उठेंगे, झाग उठने दीजिए, फिर जब ये शांत हो जाए तो इसमें पानी भर के गिलास में रोज़ाना अपनी पत्नी को पिला दिया करिए, मुझे उम्मीद है उनसे फायदा मुमकिन है। दिल्ली से ही अगली कॉलर है संध्या, स्वागत है संध्या जी आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार, बोलिए। हकीम साहब से बात करें। जी, आदाब, बताइए। हकीम साहब, मेरे आदमी है 72 साल के, उनको कंपन है और टांगों में चलने की हिम्मत नहीं है, वीकनेस बहुत आ रही है और ज्यादा इसमें भी कमी आ रही है। जी जी। हाँ, देखिए, इस उम्र में ऐसे ही उनका ख्याल रखिए, और कंपन में भी कमी आ सकती है लेकिन कमज़ोरी तो दूर हो सकती है। अगर ये कमज़ोरी की वजह से कंपन है तो उनको फ़ायदा हो सकता है। माजून आर केयर, सुबह शाम 1-1 चम्मच गर्म पानी से खिलाएं, और दिन में 5 मरतबा गर्म पानी पिएं, और अगर 1 महीने फ़ायदा हो जाए तो 5 महीने तक इलाज करें तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है।